हेलो एंड वेलकम। टुडेज टॉपिक इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर इन विच वी विल अंडरस्टैंड ईच जनरेशन इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दीज आर फाइव जनरेशन, जनरेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड हेयर आर द प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पे हम इन जनरेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पीरियड। पीरियड इज द टाइम ड्यूरेशन जब ये जनरेशंस आई थी। सो इन फर्स्ट जनरेशन वी हैव 1940 से 1956। In second generation, it is 1956 to 1963. In third generation, it is 1964 to 1971. Fourth generation is present generation जो चल रही है 1971 से present तक। And fifth generation अभी से और आने वाले समय में जितने भी तरह के computers होंगे वो हमारे fifth generation के होंगे। Moving on, the circuitry that we use, circuitry का मतलब होता है उस तरह के computer को बनाने के लिए क्या important component हमने use किया था। So in first generation we use vacuum tubes, in second generations we use transistors, third generation में हमारे पास integrated chips या फिर ICs आ गई थी, in fourth generation we use microprocessor या फिर VLSI technology, VLSI का मतलब होता है very large scale integration, and in fifth generation we started using ULSI which is ultra large scale integration. नेक्स्ट इज मेमोरी कैपेसिटी। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास साइज बहुत कम था स्टोरेज का, ओनली 20 KB डेटा हम लोग स्टोर कर पाते थे। इन सेकेंड जनरेशन ये डबल हो गया था, पर डबल से भी ज़्यादा हो गया था, पर उसके बाद भी बहुत कम है 128 KB। इन थर्ड जनरेशन इट इज़ 1 MB। इन फोर्थ जनरेशन यहाँ पे हाई एंड कैपेसिटी हमें मिल जाती है क्योंकि हमने मैग्नेटिक कोर्स यूज़ करना शुरू कर दिया था। एंड इन फिफ्थ जनरेशन वी यूज़ ULSI टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से साइज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू IPS विच इज़ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन दे यूज़ 300 IPS यानी 300 इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकते थे ऐसे सिस्टम्स। थर्ड जनरेशन में वी यूज 1 million ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड विच इज़ वेरी लार्ज। इन फोर्थ जनरेशन यहाँ पे 1 million से भी कहीं ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस आप एक सेकेंड में एग्जीक्यूट करने में केपेबल हैं। एंड फिफ्थ जनरेशन इज़ बियॉन्ड दिस वेरी वेरी फास्ट। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज़ किया था मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट मीन्स इट यूजेज ओनली वंस एंड जीरोज। सेकेंड जनरेशन में हमने असेंबली लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया। इन थर्ड जनरेशन हमने अर्ली हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि C, C++ को यूज़ किया था। इन फोर्थ जनरेशन वी यूज हाई लेवल लैंग्वेजेस, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जावा सी एंड सो ऑन, सारी ही लैंग्वेजेस को हमने यूज़ किया इन फोर्थ जनरेशन। इन फिफ्थ जनरेशन हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ साथ न्यूरल नेटवर्क्स को भी यूज़ करने लगे थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्राइमरी मेमोरी। तो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन दे बोथ यूज मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी मेमोरी। इन थर्ड जनरेशन वी यूज स्टार्टेड यूजिंग मैग्नेटिक टेप्स। इन फोर्थ जनरेशन जो हमारी आज की जनरेशन है यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक टेप्स अलॉन्ग विद मैग्नेटिक डिस्क। इन फिफ्थ जनरेशन हम हर तरह के डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए अलाउड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंडरी मेमोरी किस तरह की होगी। तो इन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन वी यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, बोथ इन्हीं दोनों को हमने यूज़ किया था। थर्ड जनरेशन में हमने टेप्स के साथ साथ मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ करना स्टार्ट किया था और उसी की पॉपुलैरिटी की वजह से फोर्थ जनरेशन में हमने ऑप्टिकल डिस्क को इंट्रोड्यूस किया था। फिफ्थ जनरेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जिस भी तरह की डिवाइस को यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन में वी यूज पंच कार्ड। पंच कार्ड्स वर लाइक अ स्मॉल कार्ड्स जिनमें हम लोग डेटा को पंच करके फीड करते थे या इनपुट करते थे, तो पंच कार्ड यूज होते थे। इन थर्ड जनरेशन वी स्टार्टेड यूजिंग कीबोर्ड्स। माउस को हम लोग यूज़ नहीं करते थे, हम लोग कीबोर्ड से डेटा को इनपुट करते थे बिकॉज हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करते थे। इन फोर्थ जनरेशन हमारा GUI पॉपुलर हो गया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके लिए हमने जितने भी एडवांस IO डिवाइसेस थी सच एज माउस स्कैनर्स उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। एंड फिफ्थ जनरेशन में अगेन हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आउटपुट डिवाइसेस तो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में हम लोग आउटपुट रिसीव करते थे थ्रू प्रिंटिंग डिवाइसेस, प्रिंट करके हम लोग आउटपुट को रिसीव करते थे। इन थर्ड जनरेशन वी स्टार्टेड यूजिंग मॉनिटर्स। इन फोर्थ जनरेशन एडवांस IO सच एज LED LCD हम लोग यूज़ करने लगे हैं इन फोर्थ जनरेशन। एंड फिफ्थ जनरेशन में भी अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉस्ट देखी जाए तो फर्स्ट जनरेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ हुआ था। सेकेंड जनरेशन की कॉस्ट उससे कम, थर्ड जनरेशन की लो, फोर्थ जनरेशन की वेरी लो, एंड फिफ्थ जनरेशन की अफोर्डेबल कॉस्ट मानी जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन के यूनिवैक एंड एडवेक। इन सेकेंड जनरेशन वी यूज़ IBM 1401 या फिर यूनिवैक 1108। इन थर्ड जनरेशन वी यूज़ IBM 360 सीरीज़।
In fourth generation, we use Pentium series, and in fifth generation, we use artificial intelligence or robotics. So these are the differences among five generations of computers in very brief manner. Thank you so much.